हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। आईबीपीएस क्लर्क मेन 2018 का जो अपकमिंग एग्जाम है उसी को टारगेट करके आज का सेशन प्रिपेयर किया गया। आज के सेशन में एक बोट एंड स्ट्रीम की डीआई डिस्कस करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, मेंस के लाइक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप पे जब कर लेंगे तो बोट एंड स्ट्रीम का जो मिसलेनियस अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स भी, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें आपको बोट एंड स्ट्रीम से कोई क्वेश्चन इन जनरल देखने को नहीं मिलेगा। तो उसकी भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। सेशन शुरू करने से पहले फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए वो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इसके पास एक बेल आइकन है उसको क्लिक करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो चैनल पे अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए देखिए आपके स्क्रीन पे क्या है, डायरेक्शंस में क्या दिया हुआ, स्टडी द फॉलोइंग टेबल टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, सम वैल्यूज आर मिसिंग। मिसिंग दिया ही है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जब क्वेश्चन आप करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें मिसिंग वाली फील आपको नहीं आएगी। अब इसमें देखें, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 5 दिन दिए हैं, और डिस्टेंस दी है अपर स्ट्रीम, स्पीड दी है बोट की, स्पीड स्ट्रीम की दी है, और टोटल टाइम टेकन दिया है। तो और नीचे नोट दिया है कि डिस्टेंस अपर स्ट्रीम और डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इक्वल है जब तक आपको क्वेश्चन में पर्टिकुलर दिया नहीं गया। अगर उसमें दे दिया कि अपर स्ट्रीम की डिस्टेंस इतनी और डाउन स्ट्रीम की इतनी है तो ऑब्वियस वही अप्लीकेबल है। इन जनरल जो डिस्टेंस अपर स्ट्रीम की दी है वही डाउन स्ट्रीम की आपको माननी है उस डे के लिए। एक जो टोटल टाइम है, ये टोटल टाइम टेकन क्या है, अपर स्ट्रीम टाइम और डाउन स्ट्रीम टाइम, मतलब बोट को अपर स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों के ट्रेवलिंग का जो पीरियड है वो टोटल टाइम टेकन है, ये आपको छोटा सा नोट दिया। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे का जिक्र किया है, इफ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2:1, स्पीड ऑफ बोट, तो मैं स्पीड ऑफ बोट को हमेशा x लूंगा, और मैं स्पीड ऑफ बोट, और आपसे भी एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम आप एक ही चीज अज्यूम किया करो, एक्स वाई ए बी जो भी कर रहे हो, ताकि जैसे ही आप x लिखोगे आपको स्पीड बोट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां एग्जाम में, क्योंकि आपको पता है कि x का मतलब स्पीड ऑफ बोट, y का मतलब स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, एक ही अज्यूम किया करो हमेशा, जो यहां प्रैक्टिस में करो वही एग्जाम में फिर अपने आप ही आपसे लिखा जाएगा। तो स्पीड ऑफ बोट x है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम अपने y मानेंगे इसे। और इसमें क्या दिया है, बोट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन दोनों का रेशियो जो दिया है x रेशियो y वो दिया है 2:1, राइट। What is the difference between the time taken by the boat to go upstream and time taken by the boat to go downstream? और क्या पूछा है, different delta t, अगर मैं difference को मानूं तो ये difference किसमें, जो upstream time है और जो downstream time है, ये आपसे पूछा गया है। और total time आपको इसने 72 घंटे दे दिया, total time दे दिया 72 किलोमीटर, और डिस्टेंस जो दे दी वो दे दी 324 किलोमीटर अपर स्ट्रीम की, तो वो ऑब्वियस है डाउन स्ट्रीम की होगी जब तक कोई नोटिस में नहीं डला तब तक। तो डिस्टेंस 324 है एक साइड की, और आपसे पूछा है टी यू माइनस टी डी, तो वैसे तो आप ट्रेडिशनली भी इस क्वेश्चन को कर लोगे, लेकिन आप देखेंगे कि जो टोटल टाइम लगा 72 घंटे, और जो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट किसके होगा, स्पीड के होगा। तो इसमें आप क्यों, डिस्टेंस तो इक्वल है, तो इसमें एक्स और वाई, तो इसमें अगर आप देखोगे अपर स्ट्रीम स्पीड, स्पीड ऑफ अपर स्ट्रीम कितनी आ जाएगी, अगर एक्स को मैं 2k लूं और वाई को k लूं तो 2k माइनस k, और स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितनी आ जाएगी, ये दोनों जुड़ जाएंगी 2k प्लस k 3k। तो इन दोनों का रेशियो क्या हुआ, एस यू रेशियो एस डी क्या हुआ, के रेशियो 3k, मतलब 1:3। एस यू स्पीड ऑफ अपर स्ट्रीम और स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम का रेशियो 1:3 आपके आ गए, और यही रेशियो टाइम का होगा, टाइम ऑफ अपर स्ट्रीम और टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम। तो टाइम ऑफ अपर स्ट्रीम रेशियो टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम भी क्या आ जाएगा, आपका 3:1, अपर स्ट्रीम में ज्यादा लगेगा 3:1। अब आपको पता है कि चार पार्ट का टोटल वैल्यू 72 घंटा है, राइट। एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, एक पार्ट की वैल्यू आ गई 72/4 18 घंटे, और आपसे पूछा है डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना हो गया, दो पार्ट,
भाई एक अपस्ट्रीम में लग रहे हैं, तीन पार्ट डाउनस्ट्रीम में लग रहा है, एक पार्ट तो डिफरेंस हो गया, दो पार्ट, तो दो पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 2 गुना 18, 18 दूनी 36 घंटे, थर्ड 36 आवर्स, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने समझाने में आपको इतना टाइम लिया, लेकिन आप इसका थोड़ा सा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को कर लें। सेकेंड देखिए, ऑन मंडे इफ डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो अप स्ट्रीम एंड टाइम टेकन टू गो डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 20 आवर्स, मतलब डेल्टा टी अगर मैं इसको मानूं तो ये हो गया 20 घंटे, और जिक्र किसका हो रहा है, मंडे का। तो मंडे में क्या दिया हुआ आपको देखिए, डिस्टेंस दी हुई है एक साइड की 320 किलोमीटर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाई की वैल्यू आपको 4 दी हुई है, 4 किलोमीटर पर, ये आपको गिवन है, डेल्टा टी गिवन है। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू गो अपस्ट्रीम, और टोटल टाइम जो टी है वो आपसे पूछा गया है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के लिए। तो डेल्टा टी क्या हुआ, डेल्टा टी 20 इज इक्वल टू डाउन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम क्या होता है, जो अपस्ट्रीम में आपको टाइम लगा वो कितना हो गया 320, डिस्टेंस बटा अपस्ट्रीम की स्पीड। तो एक्स अगर मैं बोट की स्पीड मानू तो एक्स माइनस 4 वाई 4 दिया हुआ, और माइनस 320 अपॉन एक्स प्लस 4, भाई डाउन स्ट्रीम में दोनों स्पीड जुड़ गई, तो यहां से आपको एक्स की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। आप डायरेक्ट अगर यहां से इसको कॉमन लेंगे 320 को, तो 320 को आप कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 4 और माइनस एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 4, राइट। तो और यहां भी सही, तो ये एक सिफर तो आपका कट गया और दो ये 16 कट गया, यहां सिर्फ एक बच गया, यहां 16 है, तो x और x यहां से कट गया, 16 8 128, ऊपर बचा 128, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 इज इक्वल टू आपका x माइनस 4 x प्लस 4 हो गया x स्क्वायर माइनस 16, x स्क्वायर इज इक्वल टू 128 प्लस 16 144, x की वैल्यू आ गई 12। कोई माइनस की 12 का कोई मतलब नहीं है, स्पीड तो पॉजिटिव ही होगी, तो x 12 आ गया। आपकी अब आपको t चाहिए, तो t के लिए क्या हो जाएगा, टोटल टाइम कितना आ जाएगा, मंडे है 320 अपॉन एक्स प्लस 4, तो 12 प्लस वही 4 है, 12 प्लस 4 और 320 अपॉन 12 माइनस 4, तो क्या आ गया 320 बटा 16 और 320 बटा 8, तो 16 दो 32 20 घंटा, तो यहां से आ गया, और 8 चौके 32 40, यहां से आ गए कितने, आ गए 60 घंटे आपका टाइम इसमें आ गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे का जिक्र है, ट्यूसडे में आपको दिया हुआ है टोटल टाइम। ट्यूसडे सबसे पहले ये देख लीजिए कि जिक्र किसका है, ट्यूसडे का है, और क्या दिया हुआ है, टोटल टाइम 75 आवर्स आपको दिए हुए हैं, और क्या पूछा है, ऑन ट्यूसडे डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो अपस्ट्रीम एंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो डाउनस्ट्रीम इज 45 आवर्स, डेल्टा टी दे दिया 45 घंटे, ठीक है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट टू गो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, और डी पूछा है, डी क्या है, टोटल डाउनस्ट्रीम स्पीड इज 24 किलोमीटर पर आवर, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या होती है, एक्स प्लस वाई, और ये आपको दे दी 24 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब टाइम आपसे ये पूछ लिया, और इसमें कुछ ट्यूसडे में दिया है क्या, ट्यूसडे में और आपको कुछ नहीं दिया, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा टी अगर मैं देखूं, डेल्टा टी 45 है, तो डिस्टेंस कितनी हुई, डिस्टेंस आपकी जो भी डी हुई, डिस्टेंस ही तो निकालनी है, तो डी छोटा अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स कितना है, एक्स माइनस वाई इसमें कुछ नहीं दिया, एक्स माइनस वाई कोई बात नहीं, और माइनस डी अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई आपका 24 है, और ये दे दिया 45। दूसरा एक आप टोटल टाइम, जैसे आपको ट्यूसडे को दिया 75, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, डी अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस डी अपॉन एक्स प्लस वाई 24। तो एक इक्वेशन आपकी ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, एक आपको पता है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 24 है, एक ही आ गई, तीन इक्वेशन है, इनको आप सोल्व करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेकंड, ये तो हुआ लंबा मेथड। दूसरा, अगर आप इसमें देखें कि टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है 75 आवर्स, राइट, और डेल्टा टी डिफरेंस ऑफ टाइम है 45, इसका मतलब टी वन और टी टू में क्या हुआ, अगर
T1 और T2 अगर टाइम ऑफ है अपर स्ट्रीम और टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम अगर इक्वल होता तो दोनों होते 37.5 37.5, लेकिन इक्वल नहीं है, दोनों में डिफरेंस है 45 का। तो 37.5 में से आधा डिफरेंस घटा दीजिए, 37.5 - 45/2, तो ये आ गया 15 घंटे। तो ये तो आ गया जो आपका डाउन स्ट्रीम का टाइम है, और अप स्ट्रीम का कितना आ जाएगा, 37.5 में 45/2 जोड़ दीजिए, तो ये आ गया 60 घंटा, राइट। तो अब आपके पास ये आ गया 60 और 45। अब डिस्टेंस डी अगर आप देखोगे, एक साइड की डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, भाई आपको दे दिया एक्स प्लस वाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होती है, स्पीड गुणा टाइम। अब स्पीड जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है वो 24 है, और टाइम है वो 15 घंटे, 24 15 24 डेटा 36, तो 360, 360 किलोमीटर एक साइड की है, तो डी टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, 2 गुणा 360 इज इक्वल टू 720 किलोमीटर। तो आप यहां से सीधा भी इसको इस तरीके से सॉल्व करें, मैं कहूंगा आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप इसी तरीके से इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो यही डिस्टेंस 720 इसमें भी निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे का जिक्र हो रहा है, क्या दिया है, इफ द बोट कवर्ड हाफ डिस्टेंस अपर स्ट्रीम विद यूजुअल स्पीड एंड अदर हाफ विद डबल इट्स स्पीड देन इट टेक्स 33 सही 3/4 आवर्स लेस टाइम देन यूजुअल टाइम टू गो अपर स्ट्रीम। तो वेडनेसडे में क्या है, डिस्टेंस आपको दी हुई है, क्या दी हुई है, डिस्टेंस है 270 और स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाई दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर। तो इसने क्या दिया है, इफ द बोट कवर्ड हाफ डिस्टेंस अपर स्ट्रीम विद यूजुअल, हाफ कितना हो गया 135, अपर स्ट्रीम है तो कितना हो जाएगा, बोट का अगर मैं एक्स मानता हूं, स्पीड ऑफ बोट एक्स है, तो एक्स माइनस 6 माइनस यूजुअल स्पीड एंड अदर हाफ विद डबल इट्स स्पीड, अबर अदर हाफ कितना 135 से दूसरा हाफ बच गया, और यहां जो एक्स था उसको 2x कर दिया, 2x - 6, और ये आपको दे दिया 33 सही 3/4। तो इसको अगर आप करेंगे 33 चौका 132 और 3 135/4, राइट। यहां से अगर आप 135 को कॉमन लेंगे तो 135 तो यहां से कैंसिल आउट हो गया, और यहां क्या आ गया, 2x - 6 - x + 6 और अपॉन x - 6 और 2x - 6 और इज इक्वल टू 1/4। तो 2x - x x बचा और ये तो कट गया, तो ये 4x x बचा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4x हो गया, यहां कितना हो गया 2x² -6x - 12x + 36। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, अगर दो का दोनों तरफ से आप कैंसिल आउट भी कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, x² - 11x + 18 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 और 9, तो 9 और 2 आई, तो x की वैल्यू 2 तो हो नहीं सकती, स्ट्रीम से ज्यादा होगी तो ही बोट चलेगी, तो x की वैल्यू होगी 9। अब आपसे 2 भी पूछा है, x और y दोनों के आपके पास वैल्यू है, x इज इक्वल टू 9 है और y इज इक्वल टू 6 है। अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू गो अपर स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, तो बाय यूजुअल स्पीड, तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ गया, टाइम इज इक्वल टू 270 है, तो 270 अपॉन ये आपका कितना आ गया, x - 6 x - y और x + y, तो ये x + y तो हो गया 15 और ये हो गया 270/3, तो 15 ये तो आ गया 18 और ये आ जाएगा आपका 90, 108 घंटा आ जाएगा, ये आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या, ऑन थर्सडे डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर एक्स किलोमीटर अपर स्ट्रीम एंड x + 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 26 आवर्स, ठीक है, हैड द बोट कवर्ड सेम डिस्टेंस अपर स्ट्रीम एज डाउन स्ट्रीम व्हाट वुड द डिफरेंस इन टाइम टेकन देम, डेल्टा टी आपसे पूछा है, और मैं कहूंगा कि ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें और मेरे साथ शेयर करें कि आपका आंसर इसमें क्या आया, व्हाट वुड द डिफरेंस इन टाइम टेकन देम। तो डिफरेंस ऑफ टाइम टेकन जो है डेल्टा टी आपको निकालना है, थर्सडे में आपको क्या क्या दिया हुआ, थर्सडे में देखो आपको एक्स और वाई दोनों, तो क्वेश्चन आसान है, एक्स 11 किलोमीटर है, वाई 7 किलोमीटर पर आवर है, और बाकी आपको एक और भी दे दिया है कि डाउन स्ट्रीम डेल्टा टी, यहाँ दे दिया एक छोटा डेल्टा टी जो निकलवाया है वो नहीं, एक और दूसरा डिफरेंस ऑफ टाइम दे दिया। तो ये था आज का सेशन, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट सर्कुलर करते रहें, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।